नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। पातालपानी पहुंचे मध्य प्रदेश सीएम और राज्यपाल की बड़ी घोषणा, पातालपानी इलाके में होंगे करीब 5 करोड़ के विकास कार्य। 2 दिनों से लापता मासूम का मिला शव, दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका, संदूक में मिला बच्ची का शव। तीसरी लहर को रोकने की कवायद, कहीं चालानी कार्यवाही तो कहीं दुकानें सील, मास्क और वैक्सीनेशन की जनता से की गई अपील। टंट्या मामा की जन्मभूमि महू के पातालपानी में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास की योजनाओं के बारे में बात की, साथ ही सीएम ने 5 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा भी की। टंट्या मामा की पूजा होगी, उनकी वीरता की उपासना होगी, ताकि हम उनसे देशभक्ति की प्रेरणा ले सकें और इस स्थल का और विकास करने के लिए यहाँ पर्यटन स्वागत केंद्र बनेगा, निर्माण के और विकास के और काम होंगे। यहाँ आदिवासी म्यूजियम बनाया जाएगा, लाइब्रेरी का निर्माण होगा, स्वतंत्र वाटिका का विकास होगा, फेंसिंग विद्युतीकरण और अन्य विकास के काम किए जाएंगे। लगभग 4,55,00,000 रुपए के काम और इस धरती पर किए जाएंगे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आयोजित टंट्या मामा भील कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस विभाग सहित अन्य सभी विभाग पूरी तरह से कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर शहर में पुलिस विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। कार्यक्रम को लेकर पातालपानी में आयोजित टंट्या मामा भील शहीद स्थली पर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, उनके कार्यक्रम के बाद इंदौर के नेहरू स्टेडियम में ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने देर रात ही सभी तैयारियां समाप्त कर ली थी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरे शहर में चाक चौबंद व्यवस्था कर रही है। हापुड़ कोतवाली क्षेत्र में 2 दिन से लापता मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने की आशंका जाहिर की जा रही है। बच्ची का शव पड़ोसी के घर में एक संदूक के अंदर मिला। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले पड़ोस में एक शादी समारोह था, उसके बाद से मासूम लापता हो गई थी, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी। इसके बाद लगातार बच्ची की तलाश की जा रही थी। पड़ोस के मकान से बदबू आने पर लोगों ने पुलिस को उसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मकान का ताला तोड़कर बच्ची का शव संदूक से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के आला अधिकारी जल्द ही इस हत्याकांड के खुलासे के बाद कह रहे हैं, एक बच्ची की मिसिंग के संबंध में कल एक सूचना थाना हापुड़ नगर को प्राप्त हुई थी, जिस पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। आज सूचना के दौरान ही ये जानकारी प्राप्त हुई कि पड़ोस के घर जहां वो लड़की रहने वाली थी, उसी के जस्ट बगल में ही एक घर है, वहां पर संभवतः बदबू आ रही है, वहां पर कुछ ऐसी संदिग्ध चीज हो सकती है। इस सूचना पर पुलिस आई है, घर में ताला बंद था, नियमानुसार उसे ताला खुलवाया गया। उसके बाद फील्ड यूनिट के साथ में घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो एक बक्से में उस 6 वर्षीय बच्ची का शव मिला है, जिसे नियमानुसार पंचायतनामा भर करके पीएम के लिए भेज दिया गया है। हम लोग सभी पहलुओं पर काम कर रहे हैं। ये घटना किन कारणों से हुई है, कैसे हुई है और इसका शीघ्र ही खुलासा किया जाएगा। आरोपी अभी की जानकारी अभी ये नहीं हुई, पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया है। ये अमजद का मकान है और यहाँ अंदर खोदने का प्रयास भी किया है उसने। अच्छा। मैं ऐसे लड़की हुई यहाँ दाब और आशंका में ये है कि लड़की के साथ कोई गलत काम ना हुआ हो। अच्छा। आशंका है, मैं हम जांच कराएंगे। जब आपने एप्लीकेशन थाने में दी थी इन्होंने परिवार जो, तो मुकदमा दर्ज हुआ था या नहीं अभी तक? उन्होंने कहा गया एफआईआर दर्ज हो गई है। अच्छा। हो गई, दर्ज हो गई है। आप अंदर तक किस अवस्था में बॉडी मिली है? जो है ये संदूक में बंद थी बॉडी और चोट काफी है, मुंह पे भी गले पे भी, जैसे उसमें मुंह दबा के और गला दबा के मारी गई हो। जांच में पता चले कि भाई लगभग कितनी उम्र थी बच्ची? 8-7 साल की बच्ची है।
अलीराजपुर में मोबाइल की बैटरी फटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना उस वक्त हुई जब युवक नैनपुर गांव से अपने दोस्त के जन्मदिन पार्टी मनाकर अलीराजपुर लौट रहा था। टोल नाके के पास युवक की जेब में रखे फोन में अचानक धमाका हुआ, जिसमें युवक के पैर, मुंह और हाथ में गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर्स ने उसका प्राथमिक उपचार कर गुजरात के बड़ौदा रेफर किया। युवक के अनुसार मोबाइल ज्यादा पुराना नहीं था, उसने नवरात्रि में ही MI कंपनी का मोबाइल खरीदा था। ब्लास्ट होने के वक्त मोबाइल करीब 60% चार्ज था। हमारे यहाँ पेशेंट भर्ती हुआ है जिसका नाम प्रेम तेजमल माली है। उसको कल रात को MI कंपनी का मोबाइल जो था उसकी जेब में रखा हुआ था वो गर्म हो गया, और गर्म होने के बाद शायद उसकी बैटरी ब्लास्ट हुई हल्के से, जिससे उसको जांग में जल गया है ऊपर। वो सुपरफिशियल बर्न है और उसके कारण वो मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया, तो उसको चेहरे पे भी कुछ चोटें आएंगी। और मरीज की स्थिति ठीक है और भर्ती है, वो इलाज चल रहा है, यहीं पे ठीक हो जाएगा। देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने बिना मास्क वाले लोगों पर फाइन लगाने के आदेश दिए, जिसके बाद शनिवार सुबह नगर निगम ने सयाजी द्वार पर चालानी कार्यवाही शुरू की। बिना मास्क लगाए जा रहे लोगों पर ₹50 का स्पॉट फाइन लगाया गया। उनको मास्क पहनने की हिदायत दी गई। इस दौरान कई लोग बहस करते नजर आए। अभी कोरोना बीमारी को देखते हुए जिलाधीश महोदय द्वारा जो निर्देशित किया गया है कि जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके पर चालानी कार्रवाई की जाए, तो ₹50 का संघ प्रस्ताव दिया है, उसके आधार पर ही ₹50 की प्रति व्यक्ति बिना मास्क के चालानी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितने चालान बना दिए? अभी तक 35 चालान बना दिए। जोबट में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। आज जोबट नगर के बाजारों में निकलकर वैक्सीन के प्रथम डोज और द्वितीय डोज नहीं लगवाने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की गई और 3 दुकानें सील कर दी गई। प्रशासन की संयुक्त टीम ने सुभाष मार्ग के पास लक्की कंगन जनरल स्टोर, फैंसी कलेक्शन और सुहाग कंगन स्टोर दुकानों को सील किया और उन्हें वैक्सीन लगवाने की हिदायत दी। इस कार्रवाई में तहसीलदार आलोक वर्मा, नगर परिषद CMO आरती खेड़ेकर समेत स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद की टीम मौजूद रही। जिन लोगों को सेकंड डोज नहीं लगा है, जोबट के अंदर बहुत भीड़ आती है, हमारे सारे ग्रामीण जन जोबट के अंदर आते हैं, तो नगर के कुछ व्यापारी साथी हूँ, उन लोगों के द्वारा भी ऐसी भूल की गई जिसमें कि उनको पहले भी तहसीलदार महोदय ने सारे नगरवासियों की व्यापारियों की मीटिंग लेके उनको बताया भी था, समझाया भी था, 3 दिन का समय भी दिया गया था कि आप लोग अपने कोरोना के टीके दोनों डोज कंप्लीट करवा लें, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के द्वारा ऐसी भूल की गई है। तो उन लोगों के प्रतिष्ठानों को आगामी जब तक वो लोग अपने कोरोना के डोज पूरे नहीं करवाएंगे तब तक के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसी कार्रवाइयाँ आगे भी होती रहेंगी और सभी लोगों से मेरा निवेदन यही है कि सब लोग आगामी महामारी को देखते हुए और हमारे पुराने बीता हुआ कल उसको भी याद रखते हुए सब लोग कोरोना के दोनों डोज लगवा लें। जितना शीघ्र लगवाएंगे उतना जल्दी हम लोग इस बीमारी पर विजय पा पाएंगे। आज 3 प्रतिष्ठानों को तहसीलदार महोदय द्वारा सील किया। धार जिले के खंडवा बड़ोदा हाईवे पर निसरपुर में विराजित नवग्रह शनि मंदिर में आज शनि अमावस्या के चलते भंडारा हो रहा है। रात्रि में गणपुर के भजन मंडल ने शनि को मनाते हुए सुंदरकांड किया और सुबह से ही हवन कर दोपहर 12 बजे के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया। श्रद्धालुओं की भक्ति को देखते हुए COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए आयोजन को संपन्न कराया। मंदिर के सदस्यों ने श्रद्धालुओं को समझाइश दी और नियम अनुसार प्रसाद वितरण भी किया गया। इंदौर में सरकारी जमीन पर कॉलोनी काटकर ठगी करने के मामले में फरार आरोपी भूमाफिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भवरकुआं थाना क्षेत्र में स्थित गुटकेश्वर महादेव मंदिर की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से गणेश धाम कॉलोनी काटकर बेचने के मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी मिथुन सोलंकी, महेश और आनंद फरार हो गए थे। मुखबिर की सूचना पर आरोपी मिथुन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अन्य आरोपी महेश और आनंद की तलाश अभी जारी है। ये एक पूर्व का मामला है। पूर्व में करीब 2 महीने पूर्व एक गुटकेश्वर महादेव की शासकीय जमीन पर कॉलोनी काटने के संदर्भ में आरोपी मिथुन सोलंकी और उसके अन्य साथियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था धोखाधड़ी का। इस मामले में कल आरोपी मिथुन सोलंकी की गिरफ्तारी की गई है। इंदौर में भूमाफिया शैलेंद्र अग्रवाल ने 15 लाख रुपए जमीन के फर्जी दस्तावेज मामले में पुलिस ने आरोपी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी शैलेंद्र की पुलिस ने तलाश भी शुरू कर दी है। ये मामला कनाडिया थाना क्षेत्र का है। वहां मौजूद गायत्री कॉलोनी गायत्री पैराडाइज में 15 लाख रुपए में फरियादी को
नितिन पांचाल को ये जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किए उसी के साथ धोखाधड़ी को अंजाम दिया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने भू माफिया शैलेंद्र अग्रवाल पर धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी पहले भी धोखाधड़ी के मामले के एक प्रकरण में उस पर एक मामला दर्ज है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। प्रकरण है इसमें नितिन पांचाल एक आवेदक हैं जिन्होंने थाना क्षेत्र में स्थित गायत्री पैराडाइज कॉलोनी में भूखंड खरीदा था, जो उस पर निर्माण करने के लिए गए तो वहाँ जो भूमि स्वामी थे उन्होंने रोका और बताया कि जिस व्यक्ति ने आपको ये रजिस्ट्री की उसको रजिस्ट्री की पावर नहीं है। उसकी जानकारी आवेदक ने जुटाई तो उसे मालूम हुआ कि इस कॉलोनी में किसी भी प्रकार की भूखंड बिक्रय का पावर आरोपी शैलेंद्र अग्रवाल को नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने धोखाधड़ी कर ये भूखंड बिक्रय किया, उनसे धोखाधड़ी कर पैसे प्राप्त किए। जो आवेदक के आवेदन पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है उसमें विवेचना किया गया। लगभग 15 लाख रुपए का अमाउंट इस प्लॉट की रजिस्ट्री। उज्जैन में पदस्थ खाद्य अधिकारी अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह में गए थे, जहां अज्ञात बदमाश सोने चांदी के आभूषणों का बैग लेकर फरार हो गया। खाद्य अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मामला भवरकुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोलारिस गार्डन का है। उज्जैन में पदस्थ खाद्य अधिकारी सुमित ठक्कर अपनी पत्नी के साथ शादी समारोह में शामिल होने गए। इसी दौरान अज्ञात बदमाश ने उनकी पत्नी का पर्स चोरी कर लिया, जिसमें सोने चांदी के आभूषण थे। हालांकि घटना की शिकायत पर तत्काल पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। गार्डन में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, जिसके आधार पर आरोपी की पहचान की जा सके। ये एक समीत ठक्कर जो उज्जैन में खाद्य विभाग में है पदस्थ, उनके द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई है कि दिनांक 1 तारीख को 1/12 को सोलारिस गार्डन में वो अपने रिश्तेदार की शादी में आए थे अपनी पत्नी के साथ में। यहाँ कोई अज्ञात बदमाश सोफे से ऊपर से उनका एक बैग चोरी के लेके गया, जिसमें गहने और नकदी रुपये थे। इस पर से प्रकरण पंजीबद्ध होकर के आरोपी की तलाश की जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।